हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बीआरएस। ओके, विशेष, बीआरएस इज अ स्टेटमेंट और अकाउंट। इट इज अ स्टेटमेंट। लीजा, बीआरएस बनाते क्यों है? व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड? कैश और बैलेंस मैच बनाते कैश अकाउंट या बैंक? हैं। हाँ, तो क्या बोलोगे? टू रिकनसाइल द बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, या डायरेक्ट बोल सकते हो बैंक बुक। ओके, बीआरएस कौन बनाता है? इट्स प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पासबुक क्या होता है? पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। हाँ, इट इज अ कॉपी ऑफ क्लाइंट अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक। बैंक जो अकाउंट मेंटेन करता है उसी का फोटोकॉपी अपने को मिल जाता है। ओके, फेवरेबल अनफेवरेबल देखते हैं। हाँ अर्जित, कैशबुक का कौन सा बैलेंस फेवरेबल होता है? डेबिट। हाँ दिया, कैशबुक का कौन सा बैलेंस अनफेवरेबल होता है और पासबुक का कौन सा बैलेंस फेवरेबल? पासबुक में करोड़ जमा होंगे तभी तो फेवरेबल होगा। हाँ, तो कैशबुक का तो डेबिट और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। ओके, फेवरेबल होता है। ठीक है, बीआरएस का फॉर्मेट देखा था? देखा था सर, बैलेंस एज पर कैशबुक से चालू करके पासबुक पे पहुंचना है, या फिर पासबुक से चालू होकर कैशबुक पे पहुंचना है। हाँ जी, ऐसा किशन। हाँ, जैसा किशन बोलेगा वैसा करेंगे, इसीलिए अपन ने लिख दिया कैशबुक से स्टार्ट किया तो पासबुक पे, और पासबुक से स्टार्ट किया तो कैशबुक पे पहुंचेंगे। ओके, आप भी लिख सकते हो स्लैश लगा के आगे। हाँ जी, बस इतना सा ही पढ़ा था कल अपन। उसके बाद क्या देखा था? वो एडजस्टमेंट्स देखे थे, वो ट्रांजेक्शन्स देखे थे जिसकी वजह से कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। और हमने ये भी सीखा था आखिर उस सिचुएशन में किस बंदे ने क्या एक्टिविटी किया है, किसने प्लस किया है, किसने माइनस किया है। चलिए, और मैंने कहा था 5 मिनट लगेंगे मुझे अब वो बताने के लिए कि क्या ऐड और क्या लेस करना होता है। तो देखो, लिखो रूल्स। रूल क्या है बीआरएस के लिए? इफ वी आर स्टार्टिंग विद If we are starting with debit balance, अगर हम BRS की शुरुआत debit balance से कर रहे हैं, सर किसका debit balance? चाहे cash book का, चाहे passbook का। अगर हम BRS की शुरुआत debit balance से कर रहे हैं तो अपने दिमाग में क्या सोचेंगे? हम तीन कॉलम के बारे में सोचेंगे। कौन कौन से कॉलम? बैंक, क्लाइंट और रिकनसाइल। देखते चला, बाद में लिख लेना भले। कैसे होगा? सुनो, कल हमने सीखा था कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन एक्टिविटी है हमारे बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों जनरेट करेगा? जब एक बंदे ने किया और दूसरे ने नहीं किया। ओके, ज्यादा अमाउंट से किया, कम अमाउंट से किया, वो सब एक अलग बात है, बट किया एक बंदे ने, दूसरे ने नहीं किया। ओके, तो अपना रूल क्या कहेगा? अपना रूल ये कहता है कि देखो, हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस। एक बार मैं बैंक के आगे क्या लिख देता हूं? डॉन लिख देता हूं। हाँ जी, डॉन नाम दे देते हैं इसको। अब चलेगी किसकी? डॉन की। क्यों? डी फोर डेबिट, डी फोर डॉन, याद रख सकते हो। डी फोर डेबिट, डी फोर डॉन, चलेगी किसकी? बैंक की चलेगी, डॉन की चलेगी। ओके, दैट मीन्स सर, इसका मतलब अगर बैंक ने कुछ प्लस किया है तो आप भी बीआरएस बनाते टाइम प्लस कर देंगे। बैंक ने अगर कुछ माइनस किया है
तो आप भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लाइंट ने अगर कुछ प्लस किया है तो उसकी नहीं चलने वाली है, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और क्लाइंट ने अगर माइनस किया है तो हम प्लस कर देंगे। तैयार? तो हमारे को पता क्या होना चाहिए, सिर्फ किसने क्या किया है, फिर रिकंसाइल करते टाइम तो हम अपने आप बना देंगे। ओके सर, अब प्लस माइनस करते करते हम कहां पहुंच जाएंगे, किसी एक वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। हाँ सर, अगर हमने मान लीजिए कैशबुक या पासबुक जिससे भी स्टार्ट किया, वॉट एवर द बैलेंस, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, वॉट एवर द बुक, कैशबुक या पासबुक किससे भी स्टार्ट किया, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, एडलेस करके पहुंच जाएंगे कहां पे, दूसरी वाली बुक के बैलेंस पर। अब वो जो अमाउंट आएगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो इसके लिए लिखते हैं, इफ आंसर इज पॉजिटिव, अगर आंसर पॉजिटिव रहता है, हमने शुरुआत कहां से की थी, डेबिट बैलेंस से, तो ये क्या बन जाएगा, क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा। अगर आंसर नेगेटिव होता है दैट मींस इट इज डेबिट का डेबिट ही रह जाएगा। अगर मैंने कैशबुक से स्टार्ट किया है तो मैं पहुंच जाऊंगा कहां पे, पासबुक के बैलेंस पे, और पासबुक से स्टार्ट किया है तो कहां पहुंच जाऊंगा, कैशबुक पे। सिंपल सर, ये पॉजिटिव रहने पे साइन बदल क्यों गया। मैंने कहा सुनो, अगर मैं कह रहा हूं, मान लो रुको, हाँ देखो ये क्या है, तराजू, हाँ जी तराजू है। तुमको क्या लगता है, अगर कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी गड़बड़ ना हो, किसी भी तरह का कोई टाइमिंग डिफरेंस ना हो, तो बैलेंस एज पर कैशबुक और बैलेंस एज पर पासबुक क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बैलेंस एज पर कैशबुक शुड बी इक्वल्स टू बैलेंस एज पर पासबुक। ओके अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि मेरा जो पैसा है वो बैंक में जमा है, तो मैं क्या बोलूंगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, वहीं सेम टाइम पासबुक में क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, क्योंकि मैं कहूंगा कि भैया बैंक से पैसा लेना है, और बैंक वाले कहेंगे इस बंदे को पैसा देना है, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक शुड बी इक्वल्स टू द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कब, अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, कोई एडजस्टमेंट ना हो, दोनों का डिफरेंस सेम होगा। ओके, तो मान लो अगर कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं और आप डेबिट बैलेंस से चालू करते हैं, तो ऑब्वियसली कोई अगर एडजस्टमेंट है ही नहीं तो यहां पर क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा कि नहीं आएगा। आप कहते हो कि भैया 10,000 रुपए जमा है, बैंक वाले भी कहते हैं हाँ जी 10,000 रुपए जमा है, लास्ट फाइनल आंसर पॉजिटिव रहा कि नहीं रहा, हाँ सर पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो पॉजिटिव ही रहा, तो क्या डेबिट का क्रेडिट बना कि नहीं बना। यस, उसी को रूल को मैंने यहां पर लिख दिया, क्या कि अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो डेबिट का क्या बन जाएगा, क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा। क्लियर है? और नेगेटिव आता है तो ऑपोजिट हो जाएगा। समझ आया? रटने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि अगर पॉजिटिव तब भी आ सकता है जब कोई एडजस्टमेंट ना हो, दैट मींस डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक इक्वल्स टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओके ठीक है सर, रूल क्या है, इफ वी आर स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस तो डॉन की चलेगी, और डॉन ने अगर बैंक ने प्लस कर रखा है हम भी प्लस कर देंगे, बैंक ने माइनस कर रखा है हम भी माइनस कर देंगे, क्लाइंट की नहीं चलेगी, क्लाइंट ने अगर प्लस किया हम माइनस कर देंगे, माइनस किया तो प्लस कर देंगे। चलिए ऐसे एक और रूल लिख लें, इफ वी आर स्टार्टिंग विद, इफ वी आर स्टार्टिंग विद, अभी साथ में लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है, या ये लिखना है पहले लिख लो, If we are starting with debit balances, ये लिख लो, ध्यान से लिखना एकदम। पहले मैंने यहां पे कैशबुक पहले लिखा है, पासबुक बाद में लिखा है, और यहां पर पासबुक पहले लिखा है और कैशबुक बाद में, रीजन पता है ना, कैशबुक से स्टार्ट करोगे तो पासबुक पे पहुंचोगे, और पासबुक से स्टार्ट करोगे तो
कैश बुक पे पहुंचोगे। सबसे लास्ट क्या नाम? सिद्धांत। अच्छा, हमने डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया है, अब चाहे वो कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, दिमाग ही नहीं लगाना होता, इसीलिए इजी तरीका है। इफ वी आर स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस, चाहे कैश बुक चाहे पासबुक, कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया तो लास्ट में पहुंच जाएंगे पासबुक, और पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट किया तो लास्ट में पहुंच जाएंगे कैश बुक। आंसर पॉजिटिव रहता है तो डेबिट का क्या बन जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और नेगेटिव रहता है तो सही डेबिट का डेबिट ही रह जाना। अब इसी के बेसिस पर आप दूसरा वाला रूल खुद बना सकते हो, बना सकते हो ना। इफ वी आर स्टार्टिंग विद क्रेडिट बैलेंस, यस, किसका? कैश बुक का या पासबुक का? किसी का भी हो सकता है। दिमाग में क्या सोचना? तीन कॉलम, कौन कौन से? बैंक, क्लाइंट और रिकंसाइल। ओके जी, अभी किसकी चलेगी? सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्लाइंट, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्लाइंट। पहले डी फॉर डेबिट, डी फॉर डॉन, इसीलिए तो लिखवाया था, बट सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्लाइंट। ओके अर्जित, वेरी गुड। हाँ जी, अब अगर बैंक ने क्या किया है, प्लस किया है, तो इस बार बैंक ही नहीं चलेगी, क्या कर दोगे रिकंसाइल के टाइम? माइनस। बैंक ने माइनस किया है तो हम प्लस कर देंगे, क्लाइंट ने इस बार प्लस किया है तो क्लाइंट की चलेगी, प्लस करेंगे, और क्लाइंट ने माइनस किया है तो हम भी माइनस कर देंगे। ऐसा प्लस माइनस करते करते फाइनल आंसर आ जाएगा, और वो जो फाइनल आंसर है पॉजिटिव है अगर, यस, तो क्रेडिट का क्या बन जाएगा? डेबिट बैलेंस बन जाएगा। कैश बुक से स्टार्ट किया है तो पासबुक पे पहुंच जाएंगे, और पासबुक से स्टार्ट किया है तो कैश बुक पे पहुंच जाएंगे। हाँ, वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो, और वैल्यू नेगेटिव आ रही हो तो ऑपोजिट। हाँ, तो क्रेडिट का क्या रह जाएगा? क्रेडिट ही रह जाएगा। हाँ, कैश बुक से स्टार्ट किया है तो पासबुक, और पासबुक से स्टार्ट किया है तो कैश बुक। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। हाँ, और पॉजिटिव में ऑपोजिट हो जाता है, और इसका भी रूल अपन ने उससे देखा ना कि अपना डेबिट बैलेंस और पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस सेम होता है, तो पॉजिटिव। हाँ, जो ओके जी, हाँ जी, ऑनलाइन में सिर्फ दो बच्चे, अमन और केशव, बाकी सारे आज ऑफलाइन आ गए क्या? हाँ हाँ, अभिनव था ऑनलाइन, अभी नहीं है। हाँ देखो, आगे बढ़े। हाँ, और कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो अगर कि हमारा तो वो पढ़ा हुआ है ना, हम वही याद रखेंगे, नया नहीं सीखेंगे, ऐसा सोचना भी मत, मैं सुलझाऊंगा नहीं बाद में, ठीक है ना। इसलिए जो पढ़ा हुआ है, जैसा पढ़ा हुआ है, सब भूल कर बैठ जाना, यूं यूं करने का सब छोड़ देना, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है, अगर पुराना नहीं पढ़ा तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना इस चैप्टर के लिए मैं पहले ही बोल देता हूँ कि जो भी पढ़ा हुआ है वो क्या करना, भूल कर बैठ जाना, ठीक है ना। ऐसा सोचना कि तुम्हें कभी पढ़ा ही नहीं था, नाम ही पहली बार सुना ना, बस ये ऐसे बच्चे बहुत अच्छे अच्छा नाम सुना था पहले, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छा सच्ची ओके ठीक है। हाँ जी, तो ये मैंने रूल भी लिखवा दिया आपको कि BRS कैसे बनेगा। अब इस रूल को चेक करते हैं और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। चलिए, तो चलते हैं मॉड्यूल में। इलस्ट्रेशन नंबर, ओहो हो, कितना बड़ा लिस्ट है सर, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर पहले मैं स्टार्ट करवाऊंगा आपको, 26 है।
ठीक है 26 है, पेज नंबर है 72, पेज नंबर है 72, आपके तो बहुत ऊपर हो जाता होगा, बहुत ऊपर हो जाता है, हाँ उस वाले पे बैठ जाओ, उसके पास जाके आप थोड़ा थोड़ा अपना चेयर इधर शिफ्ट कर लो। हाँ जी देखो 31 दिसंबर 2021 टी रॉयज बैंक बैलेंस एज शोन बाय द कैश बुक वॉज 75,000। आपको कौन सा बैलेंस दे रखा है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है। ऑन रिसीट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मतलब वही पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, पता क्या पता चला? पहला चीज जो मुझे पता चला, 3 चेक ऑफ ₹3,000, 4,000 and 1,500 ड्रॉन इन द फेवर ऑफ सप्लायर, मतलब मैंने उनको इश्यू किया होगा, चेक इश्यू किया होगा, ड्रॉन मतलब मैंने सप्लायर को पेमेंट किया। ओके रेस्पेक्टिवली कब कब? 28, 29 और 30 दिसंबर को, जिस दिन मैं BRS बना रहा हूं 31 दिसंबर, उससे जस्ट 3-4 दिन पहले। Had been debited in the bank statement, लेकिन पासबुक में, बैंक में वो कब डेबिट हुआ, बैंक वालों ने कब माइनस किया? 2 जनवरी को। इसका मतलब 31 दिसंबर जिस दिन मैं बैंक बैलेंस चेक कर रहा हूं उस दिन तक तो माइनस नहीं किया था ना बैंक वालों ने। अपने को क्या पता करना है किसने क्या किया। तो तुमको क्या लगता है ये जो एक्टिविटी हुई है इसमें किसने क्या किया? क्या बैंक ने कुछ किया है 31 दिसंबर तक या क्लाइंट ने कुछ किया है? क्लाइंट ने किया है। क्लाइंट ने क्या किए? चेक ड्रॉ किए, मतलब अपनी बुक में क्या कर दिया होगा, प्लस या माइनस? माइनस कर दिया होगा, बैंक बैलेंस कम कर दिया ना। एग्जैक्ट, ठीक है, समझ में आई वाली चीज। बैंक ने क्या, क्लाइंट ने क्या कर दिया है? माइनस कर दिया। मैं यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ, क्लाइंट ने क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। कितना अमाउंट से? 3, 4, 3, 7 और 1, 500, 8,500 से। ठीक है, नेक्स्ट। बैंक हैड क्रेडिटेड 8,000। अभी अपन BRS की बात नहीं कर रहे, अभी तो अपन ये देख रहे हैं कि क्या प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है। बैंक हैड क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब बैंक ने प्लस किए अपने 8,000 रुपए, कौन सी डेट को? 30 दिसंबर को। इन रेस्पेक्ट ऑफ द कलेक्शन मेड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर, कोई एक कस्टमर था जिसने बैंक में डायरेक्टली पैसा जमा करवा दिया, कब? 30 दिसंबर को, 31 दिसंबर से पहले। कट ऑफ डेट क्या है अपनी? 31 दिसंबर। द इंटीमेशन नॉट हैविंग बीन येट रिसीव्ड, अभी तक अपने को पता ही नहीं चला, तो इसमें किसने क्या किया बताओ? बैंक ने क्या कर दिया है? प्लस कर दिए अपने कितने? 8,000। ओके समझ में आया? किसी क्लाइंट ने, कस्टमर ने डायरेक्ट क्या किया, कस्टमर ने अपने पैसे अपने अकाउंट में जमा करवा दिए, तो बैंक तो प्लस करेगा ही करेगा, हमने ऑथराइज कर रखा है बैंक ऐसा करने के लिए। ओके तो बैंक ने 8,000 प्लस कर दिए। नेक्स्ट, 2 चेक्स ऑफ ₹5,000 and ₹6,000 were deposited into bank, बैंक में ले जाके जमा करवाया, कब? 30 दिसंबर को। Had been credited in the bank statement, but बैंक वालों ने प्लस कब किए अपने? 4 जनवरी, 31 दिसंबर तक तो नहीं किया ना, तो इसमें किसने क्या किया? सर क्लाइंट ने किया है, अभी तक 31 दिसंबर तक क्या किया? डिपॉजिट करवाया होगा, तो अपने यहाँ पे बैंक बैलेंस प्लस किया होगा कि नहीं किया होगा? हाँ सर, जैसे ही चेक जमा करवाने मुनीम जी को भेजूंगा मैं अपनी बुक में प्लस कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा। ओके तो क्लाइंट ने प्लस कर दिया। लास्ट, बैंक हैड डेबिटेड, डेबिटेड मतलब बैंक ने क्या किया है? माइनस कर दिए हैं, अच्छा विशेष काटे हैं। ओके 30 रुपए ऑन 30 दिसंबर, ठीक है करेक्ट है, बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, इसका मतलब बैंक ने तो माइनस कर दिया अभी तक हमने, अभी तक जो मैंने लिखा उसमें किसी को दिक्कत है क्या? बोलू किसने क्या किया ये पता कर सकते हैं? दोनों में से कोई एक ही बंदा कर रहा है, अगर दोनों ही कर लेंगे तो टेंशन ही नहीं है, तो कोई एरर ही नहीं है फिर तो, मैंने भी माइनस किया बैंक ने भी माइनस किया, कोई टेंशन ही नहीं। 31 दिसंबर तक एक पार्टी तो रिकॉर्ड कर रही है, दूसरी पार्टी रिकॉर्ड नहीं कर रही है। रिकंसिलिएशन करना है आपको, और बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2021 करें शुरू। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 26।
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एमसीक्यूज है ना आपने, तो लिखना तो पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर उठाएंगे, प्लस माइनस करते जाएंगे, डीआरएस। लेकिन फिलहाल तो यहां पे अपने को सब लिख के ही सॉल्व कर रहे हैं, बाद में एमसीक्यू करेंगे तो उसके हिसाब से बताऊंगा कि हाँ अभी देखो उठाया और कैलकुलेटर फटाफट कर दिया नक्की। एज ऑन कौन सी डेट को, 31 दिसंबर 2021 था क्या? हाँ जी 21। हाँ जी सप्लायर जिससे अपन माल खरीदते हैं उसको, उसके फेवर में हमने चेक ड्रॉ किया है, तो चेक ड्रॉ का मतलब ही क्या होता है, हमने चेक इश्यू किए, चेक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, चेकबुक मेरी होगी तभी। तुम्हारा चेक मैं करने कभी ड्रॉ किया आज तक? तुम्हारी चेकबुक का नहीं किया ना, क्यों? क्योंकि तुम्हारी चेकबुक मेरे पास है ही नहीं। हाँ तो चेक ड्रॉ करने का मतलब है मैंने अपनी चेकबुक से एक चेक ड्रॉ किया है किसी के, किसी को देने के लिए, किसी के फेवर में। ओके हाँ जी, शुरुआत किससे करें? जो डेटा दे रखा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 75,000, लिखता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक 75,000। अच्छा ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? तुमको कैसे पता चला कि डेबिट बैलेंस है? कुछ दे नहीं रखा हो तो ऑब्वियसली फेवरेबल होगा, फेवरेबल। और कैशबुक का फेवरेबल क्या होता है? डेबिट बैलेंस। कैशबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल कब होता है? डेबिट। तो मैं यहां लिख देता हूं, हाँ जी डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक। अभी स्टार्ट किससे किया? डेबिट बैलेंस। इफ वी आर स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस तो किसका चलेगा? डॉन का। बैंक ने प्लस किया तो हम भी प्लस, बैंक ने माइनस किया हम भी माइनस, हमने क्लाइंट ने अगर कुछ प्लस किया तो ऑपोजिट जाएगा। ओके चलिए पहला आइटम फिर से पढ़ते हैं। हाँ जी तीन चेक थे, क्लाइंट ने क्या कर दिए थे अपने यहां पे ड्रॉ किया तो माइनस कर दिया था, बट क्लाइंट की चलेगी क्या? नहीं, तो प्लस कर दो वापस 8,500। लिखूं क्या? चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने तो इश्यू कर दिया लेकिन सामने वाला बंदा जिसको हमने दिया है वो अभी तक बैंक के पास पहुंचा ही नहीं है, बैंक को उसने वो चेक प्रेजेंट किया ही नहीं है, तो जब तक वो बैंक को वो चेक देगा नहीं तब तक बैंक वाले मेरे अकाउंट में माइनस करेंगे नहीं। क्लियर है वाली चीज? ओके नेक्स्ट, बैंक हैड क्रेडिटेड, बैंक ने क्या कर दिया था? कोई कस्टमर आया था और बैंक में पैसा जमा करवा दिया तो बैंक ने क्या कर दिया था? प्लस। चलेगी किसकी? बैंक की। हम भी कर दो प्लस 8,000। एड में ही लिखता हूं कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके नेक्स्ट देखो, दो चेक थे हमने डिपॉजिट करवाया मतलब मुनीन जी को भेजा जमा करवाने के लिए, और बैंक ने तो प्लस कब किया है? 31 दिसंबर के बाद में किया है, तो हमने तो प्लस कर दिया, क्लाइंट की चलेगी क्या? नहीं सर, वापस माइनस कर दो। कितना अमाउंट? 6 और 5 11,000 से माइनस कर दो, 11,000 से माइनस। क्लाइंट ने क्या किया? प्लस किया ना, तो क्लाइंट की चलेगी नहीं, वापस माइनस कर दो। लेस किया कितना? नाम क्या लिखूंगा? चेक डिपॉजिटेड, चेक जमा करवाए बट नॉट येट कलेक्टेड,
बट अभी तक कलेक्ट नहीं किए हैं बैंक ने, बट नॉट येट कलेक्टेड, हमें जमा हमारे अभी तक बैंक ने डिपॉजिट नहीं किए हैं, क्रेडिट नहीं किए हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वो डेबिटेड था चार्जेस, बैंक है डेबिटेड इंसिडेंटल चार्जेस, तो बैंक ने चार्जेस कट किए हैं, बैंक चार्जेस लिख दो बस, कितने रुपए 30, बैंक ने माइनस किए तो हम भी माइनस, क्योंकि बैंक की चलेगी, तो लेस कर देता हूं बैंक चार्जेस। अभी प्लस माइनस करते करते देखो हम कहां आ गए, कितना वैल्यू आया 80,470, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है तो डेबिट का क्या बन जाएगा? क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा। क्रेडिट बैलेंस एज पर, हाँ जी, कैशबुक से चालू किया था ना, तो कहां पे पहुंच जाएंगे? पासबुक पे। जरा देखो आंसर सेम आ रहा है क्या अपना और मॉड्यूल का? हाँ जी, 80,470 क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बोलो कुछ दिमाग में सेट हुआ फॉर्मूला? डेबिट बैलेंस डी फोर डेबिट डी फोर डॉन, बैंक की चलेगी, बैंक ने प्लस तो हम भी प्लस, बैंक ने माइनस तो हम भी माइनस, क्लाइंट की नहीं चलेगी तो क्लाइंट ने जो भी किया उसका अपोजिट करना, डन। ओके एक बार, वैसे तो हो गया, इन फिर भी एक बार लॉजिक और बता देते तो अच्छा होता। मैंने कहा सुनो देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने कहा अगर ये बराबर हो तो इधर क्या रहेगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करते हैं ना, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक शुड बी इक्वल्स टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये मैंने दोनों फेवरेबल बैलेंसेज लिए, अनफेवरेबल नहीं लिए। ओके तो मैं कहूंगा 10,000 रुपए जमा है तो कैशबुक डेबिट बैलेंस शो कर रहा होगा और पासबुक क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा। ओके अभी इस क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक कितना है? 75,000, राइट 75,000, लेकिन पासबुक का उतना बैलेंस नहीं है, हमें भी पता है कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, तो दोनों में फर्क है तो क्यों है यही पता करना है ना। पहला लाइन क्या था, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ध्यान से सुनना, अब थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं सिर्फ समझने के लिए, बाकी याद अपन यही रखेंगे, डी फोर डेबिट डी फोर डॉन, बड़ा आसान है। चेक इश्यू किया, जैसे ही चेक इश्यू किया क्लाइंट ने अपनी बुक में क्या कर दिए होंगे, क्लाइंट ने क्या कर दिए होंगे अपनी बुक में, हाँ बीआरएस में प्लस हुआ है, क्लाइंट ने तो क्या किया होगा माइनस किया होगा कि नहीं किया होगा? ओके इसका मतलब सर यही ना, कैशबुक ही तो है क्लाइंट, हाँ, और पासबुक क्या है? बैंक। कैशबुक में जो करता है वो हम करते हैं, पासबुक में जो करता है वो बैंक करता है, तो इसका मतलब क्लाइंट ने क्या कर दिया है? सर क्लाइंट ने चेक जैसे इशू किए 8,500 से उसने क्या कर दिया होगा? कम कर दिया होगा। इसका मतलब ये वाला साइड कम हो गया कि नहीं हो गया, जबकि दूसरा वाला साइड तो अभी भी ज्यादा है कि नहीं है, तो इस दोनों को मैच करवाने के लिए वापस इस साइड में वापस बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दोनों साइड को अगर मैच करवाना है तो इस वाले साइड को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ सर, हाँ, क्योंकि क्या हुआ था, क्लाइंट ने तो माइनस कर दिया था बट बैंक वालों ने अभी तक किया नहीं था, तो ये वाला साइड तो क्या हो गया था, माइनस हो गया था, तो वापस क्या करोगे, इस वाले साइड को बढ़ा दोगे। समझ आया? अच्छा दूसरा आइटम, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवाया, कस्टमर ने पैसा बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट करवाया, तो इस बार किसने किया था? सर इस बार कस्टमर डायरेक्टली बैंक के पास गया तो बैंक ने अपने क्या कर दिए थे? प्लस कर दिए थे। बैंक ने कितना प्लस किया अपने? 8,000। अब एक बात बताओ, अगर ये वाला पोर्शन बढ़ा तो, और कैशबुक वाला तो बढ़ा नहीं था, तो मैच करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा अपने यहाँ 8,000 कम पड़ रहे हैं तो 8,000 बढ़ाऊंगा तो किसके बराबर आ जाएगा? पासबुक के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बैलेंस? यस, मैंने 8,000 और ऐड कर दिए। अच्छा फिर और देखते हैं, इसको हटा दो तो यहाँ की बजाय यहाँ लिख दिया मैंने। अच्छा फिर नेक्स्ट क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। मैंने मुनीम जी को भेजा जमा करवाने के लिए, तो मैंने तो अपनी बुक में क्या कर दिए?
प्लस कर दिए, ओके। बट पासबुक वालों ने नहीं किए होंगे ना, मैंने अपना बैलेंस बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया, हाँ सर, तो वापस क्या करना पड़ेगा, उसके बराबर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मैंने वापस क्या कर दिया यहाँ पे, अब वापस पासबुक के बराबर शो हो जाएगा, हाँ जी बराबर शो हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद बैंक चार्जेस 30 रुपए, बैंक ने माइनस कर दिए, जब बैंक ने माइनस कर दिए, अच्छा तो उसके बराबर लाने के लिए हम भी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तैयार क्या जाएगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, समझ में आया क्या। बट इतना दिमाग नहीं लगाते, ये लॉजिक से मैंने बता दिया, बट अब एक्चुअली दिमाग नहीं लगाते अपन, सिर्फ इतना सोचते हैं D4 डेबिट D4 डॉन, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा मैंने शुरुआत किससे किया, यहाँ पर बैलेंस यहाँ पे लिखा था ना, तो जो भी एडलेस किए वो इसी के नीचे किए थे। अभी अगर मैं पासबुक से बैलेंस से स्टार्ट करता हूँ, क्रेडिट बैलेंस से, तो जो भी एडजस्टमेंट करूंगा उसके नीचे करूंगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं अपने तरीके से सीखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इलस्ट्रेशन नंबर 27 लिखूं। इस बार क्या है, ऑन 31 दिसंबर 2021 योर पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस, पासबुक के अकॉर्डिंग क्या है, क्रेडिट बैलेंस, ओके। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, हाँ जी, पहले मैंने डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक को चूज किया, अभी कौन सा क्वेश्चन चूज किया, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो बनाओ BRS, हेडिंग वेडिंग वापस लिखने की जरूरत थोड़ी है, लिख दें क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, कितने रुपए हैं, 5000, ओके। BRS एज ऑन 31 दिसंबर 2021, चलिए कौन सा बैलेंस से शुरू किया आपने, क्रेडिट बैलेंस, तो किसका चलेगा, क्लाइंट का चलेगा, क्लाइंट ने प्लस तो हम भी प्लस, क्लाइंट ने माइनस तो हम भी माइनस, ओके। वन बाय वन लाइन अच्छे से पढ़ना और सोचकर, बिफोर दैट डेट 31 दिसंबर से पहले क्या हुआ, यू हैड इश्यूड चेक, आपने चेक इश्यू किए, कितने के, 1000 के, ऑफ विच चेक वर्थ 300 वर नॉट येट कैश्ड, टोटल आपने 1000 के चेक इश्यू किए हैं, टोटल आपने 1000 के चेक इश्यू किए हैं, जिसमें से अभी तक एनकैश कितने नहीं है, नॉट येट कैश मतलब अभी तक बैंक के पास कितने नहीं गए हैं, कैश में कन्वर्ट कितने नहीं हुए, 300, तो बाकी 700 तो हो गए ना, बाकी 700 के लिए तो मैंने भी चेक इश्यू करते अपनी बुक में माइनस कर दिया होगा और बैंक वालों ने भी क्या कर दिया होगा, माइनस, तो गड़बड़ किसकी वजह से हुई है, 300 जो अभी तक एनकैश नहीं करवाए गए। तो पहले ये सोचो किसने क्या किया, आपने चेक इश्यू किया तो आपने क्या कर दिया होगा अपनी बुक में, माइनस कर दिया होगा कि नहीं करता होगा, कर दिया होगा, 300, सिर्फ 300 की बात करेंगे, लेकिन बैंक ने अभी तक कुछ भी नहीं किया ना, मैंने 1000 के चेक इश्यू किए, क्लाइंट ने क्या किया, 1000 के चेक इश्यू किए, तो क्लाइंट ने क्या कर दिया, 1000 अपनी बुक में क्या कर दिए होंगे, माइनस कर दिए होंगे, बैंक ने अब तक 700 तो माइनस कर दिए लेकिन 300 अभी तक माइनस नहीं किए, तो अपने को ऐसा नहीं देखना, अपने को क्या देखना है, 1000 में से अब इसका अलग अलग पार्ट करूं तो सर 700 तो माइनस हो गया है लेकिन 300 अभी तक माइनस हमने तो कर दिया था लेकिन बैंक वालों ने नहीं किया है, क्लियर है वाली चीज, तो क्लाइंट ने क्या कर दिया, 300 प्लस या माइनस, 300 माइनस कर दिया, बैंक ने कुछ नहीं किया ना उनके रिगार्डिंग, किसकी चलेगी, क्लाइंट की, माइनस कर दो। ऐसे चेक जो इश्यू तो हुए बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐसे कितने रुपए के चेक थे, 300 रुपए के, तो क्लाइंट ने क्या कर दिया था इनके रिगार्डिंग अपनी बुक में, माइनस, और चलेगी भी किसकी, क्लाइंट की, तो यहां पे भी माइनस। नेक्स्ट, समझ में आया वाला, नेक्स्ट देखो 26 दिसंबर को
26 दिसंबर को यू डिपोजिटेड अ चेक, आपने एक चेक जमा करवाया, तो जैसे ही जमा करवाओगे आप तो अपनी बुक में प्लस कर दोगे, बट अच्छा आपने ही गड़बड़ कर दी, यू डिड नॉट एंटर इट इन द कैश बुक। अच्छा मतलब आपने चेक जमा करवाया तो आप प्लस करते और बैंक भी क्या करता उसके रिगार्डिंग प्लस करता, लेकिन आपने ही भूल गए, यू डिड नॉट एंटर इट इन द कैश बुक, बट बैंक ने तो प्लस कर दिया होगा ना। ओके बैंक ने प्लस कर दिया तो हम अब क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे, क्योंकि बैंक वालों की नहीं चलनी। तो लिखो चेक डिपोजिटेड, चेक जमा करवाया, तो होना क्या था, मेरे को भी अपनी बुक में प्लस करना था और बैंक वालों को भी प्लस करना था, बट मैं अपनी बुक में नहीं किया। चेक डिपोजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक भाई मैंने नहीं किया तो क्या हुआ, बैंक ने तो किया होगा ना प्लस, तो बैंक ने प्लस किया तो वापस क्या कर देते हैं अपन, माइनस। कितने रुपए, 150। तो नई वाली चीज वापस बोल देता हूं, मैंने चेक जमा करवाया तो मुझे क्या करना था, प्लस करना था, बैंक को भी क्या करना था, प्लस करना था, बट मैंने नहीं किया तो केवल रह किसका गया, बैंक का। बैंक ने प्लस किया तो हम क्या कर देते हैं, रिकंसाइल करते टाइम माइनस। ओके नेक्स्ट आइटम, पासबुक शोड अ क्रेडिट, पासबुक में क्या बता रहा है, एक क्रेडिट बता रहा है, कितने का, 40 रुपए का, मतलब बैंक वालों ने हमारे क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस, माइनस इंटरेस्ट, माइनस कर देता हूं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने प्लस किया मैं माइनस कर देता हूं, कितने रुपए, 40। ओके नेक्स्ट, फिर क्या है, आ डेबिट, आ डेबिट ऑफ कितना, ₹10 फॉर द बैंक चार्जेस एंड द कैश बुक हैड नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज फॉर देम। हाँ जी, इंटरेस्ट के लिए और बैंक चार्जेस के लिए क्या कर रखा है, कैश बुक में कुछ नहीं लिखा, बैंक ने तो कर दिया ना। अच्छा बैंक चार्जेस, बैंक ने माइनस कर दिया ना, हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, बैंक चार्जेस, बैंक ने माइनस किए, बैंक की नहीं चलने वाली इस बार, हम प्लस कर देते हैं, प्लस 10। ओके और आगे बढ़ते हैं, अ चेक फॉर रुपीस 1200 डिपोजिटेड इन योर अकाउंट नंबर 2, कोई दूसरे अकाउंट में जमा करवाया था, वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक, गलती से बैंक ने क्या कर दिया, इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो इस पर्टिकुलर अकाउंट में क्या हुआ है, बैंक ने क्या किया है, प्लस, बैंक ने प्लस किया ना तो हम क्या कर देते हैं, माइनस 1200, माइनस कर देते हैं, चेक था क्या या अमाउंट था, चेक डिपोजिटेड, तो लिख देता हूं चेक रॉन्गली क्रेडिटेड इन दिस अकाउंट, गलती से बैंक ने इस अकाउंट में प्लस कर दिया तो हम माइनस कर रहे हैं, कितना अमाउंट, 1200। ओके रियल ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिसऑनर्ड बिल वॉज डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। अच्छा कोई बिल था, हाँ जी बिल ऑफ एक्सचेंज, वो क्या हो गया था सर, वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया था, मतलब जिसने मुझे दिया था वो बिल, जैसे मान लो हर्ष ने मुझे दिया, हर्ष है ना, हाँ हर्ष ने मुझे दिया बिल, मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक से जाके क्या करवा लिया, उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया होगा मान लो, ठीक है, अब बैंक को क्या भूल गया, हर्ष आएगा और तुमको पैसा देगा, अब मान लो हर्ष आता नहीं है तो बैंक वालों को पैसा मिलता नहीं है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, मेरे माइनस कर देंगे कि नहीं कर देंगे,
तो डिसऑनर्ड बिल वॉज डेबिटेड इन द पासबुक, तो बैंक वालों ने क्या कर दिया, वो पैसा मेरे माइनस कर दिया, बट मुझे पता नहीं चला, तो 500 रुपए बैंक ने माइनस कर दिया ना, हम प्लस कर देंगे, एड। अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने माइनस कर दिया फॉर डिसऑनर ऑफ बिल, तो बैंक ने माइनस कर दिया तो हम प्लस कर देंगे, कितना रुपया था 500, ओके। अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक फॉर डिसऑनर ऑफ बिल। नेक्स्ट, चेक फॉर ₹700 पेड इन टू बैंक, पेड मतलब डिपोजिटेड, पेड मतलब डिपोजिटेड, कभी भी पेड इन टू बैंक लिखा हुआ है मतलब डिपोजिटेड इन टू बैंक समझना, ओके। डिपोजिटेड इन टू बैंक कितना 700, बट नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक, बट बैंक वालों ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, मतलब क्लाइंट ने तो प्लस कर दिया बट बैंक वालों ने अभी तक प्लस नहीं किया, तो क्लाइंट ने प्लस किया तो क्लाइंट की चलेगी ना, तो प्लस कर दो, क्लाइंट ने प्लस किया तो हम भी प्लस 700। चेक डिपोजिटेड या पेड इनटू बैंक एक ही बात है, चेक पेड इनटू बैंक या डिपोजिटेड इनटू बैंक, नॉट येट कलेक्टेड, बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, 700। उसके बाद नेक्स्ट, अ रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹100 अपीयर इन द पासबुक, अ रॉन्ग डेबिट अपीयर इन द पासबुक, गलती से बैंक वालों ने क्या कर दिया, आपने माइनस कर दिया, तो बैंक ने माइनस किया तो हम प्लस कर देंगे 100 रुपए से, अब गलती से हो चाहे कैसे भी हो, बैंक रॉन्गली डेबिटेड इन अकाउंट, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, मैंने माइनस किया हम प्लस कर देंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं, रेक्टिफिकेशन मूड में आ जाते हैं फिर, कि हाँ चलो रेक्टिफिकेशन करते हैं, अच्छा बैंक हाँ 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 नहीं किया तो अब कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना, सिंपल एक ही रूल, ठीक है ना, बैंक ने माइनस किया बैंक नहीं चलनी, प्लस कर दो, रेक्टिफिकेशन नहीं, इट इज रिकंसिलिएशन, रेक्टिफिकेशन में हम उसको करेक्ट करते हैं, हमारा पर्पज यहाँ पे रेक्टिफाई करना नहीं है, क्या है रिकंसाइल, मैच करवाना है, ओके। और रह गया क्या, एक और रह गया, अच्छा देखो क्या बोल रहा है आपसे, अ चेक ऑफ ₹150 रिसीव फ्रॉम कस्टमर वॉज एंटर्ड इन द कैश बुक बट द सेम वॉज ऑमिटेड टू बी पेड इन टू द बैंक, एक चेक मिला था कस्टमर से, आपने चेक मिला है तो ऑब्वियसली कैश बुक में क्या करोगे, प्लस या माइनस, प्लस करोगे, बट उसको आप बैंक में जमा करवाना ही भूल गए, अब नहीं करवाया तो बैंक वाले तो कुछ नहीं किए होंगे, बट आपने क्या कर दिया है प्लस, तो किसकी चलेगी अभी फिलहाल, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्लाइंट की चलेगी, तो आप भी क्या कर दो अभी भी प्लस ही कर दो, प्लस 150 आपने प्लस किया है तो अभी फिलहाल चलेगी क्लाइंट की, यहां पे भी प्लस कर दो, एड। क्या लिखे यहां पर, चेक था ना, हाँ जी, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम कस्टमर ऑमिटेड टू डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवाना भूल गए, कोई बात नहीं, क्लाइंट ने प्लस किया तो हम भी प्लस कर देंगे, हो गया आप तो, चलो अब देखो प्लस माइनस करते करते कितना आ रहा है, 4770, ओके ये लो जी आ गया 4770, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है, ओके हाँ जी, प्लस माइनस करते करते पॉजिटिव आ गया, तो क्रेडिट का क्या बन जाएगा, डेबिट बैलेंस बन जाएगा एज पर, हाँ जी पासबुक से स्टार्ट किया था ना, कैशबुक से स्टार्ट किया था,
पासबुक से स्टार्ट किया था, तो अभी कहां पे पहुंच जाएंगे? कैश बुक पे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बोलो समझ में आया क्या? बीआरएस सेट हुआ, फॉर्मेट ये रूल, डी फोर डेबिट, डी फोर डॉन, सी फोर क्रेडिट, सी फोर क्लाइंट, बस इसी के बेसिस पे कल हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।